नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया अपना एमपी का, शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। आरिफ मसूद ने सरकार पर निशाना साधा है, कहा कि सरकार का फैसला भ्रम फैलाने वाला है। मास्क की बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। किसान युवाओं पर अगर ये फैसला होता तो उसका स्वागत करते। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरिफ मसूद ने अब सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार के पहले फैसले को लेकर ही सियासत जो है वो होना शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर एमएलए आरिफ मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, जो फैसला लिया लाउड स्पीकर प्रतिबंध मांस और मछली की दुकानों को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों फैसले ऐसे हैं जिसका कोई स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि स्वागत करते महंगाई पर, अगर ये बात करते नौजवानों के रोजगार पर, ये किसानों पर, तो हम लोग स्वागत करते। ये फैसले केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। इन तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पालन करते आ रहा है, वही करेंगे। भाजपा के लोगों का, विधायकों का कहना है कि हर हाल में फैसले को मानना ही पड़ेगा, कानून में रहना ही पड़ेगा सबको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहां प्रतिबंध करा? उसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करा, और अध्ययन कर लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्क बिक्री के फैसले पर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। सबको कानून के हिसाब से चलना होगा, दम है तो चलाकर दिखाए लाउडस्पीकर, सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, बहुत दिनों से ही आवाज उठ रही थी इसको लेकर। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग कदम है। जहाँ देखो चौराहे पर, जहाँ जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर, या जहाँ देखो, जहाँ जिसकी मर्जी आती है उठाए ठेले लगा दिए, सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मास बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग कदम है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे? और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे? तुम्हारा माइक बज रहा है सुबह से, लोगों लोग बच्चों की परीक्षाएं चल रही, जब जिसकी मर्जी होती है माइक चलाने लगते हो, जब जिसकी मर्जी होती है छाती पीटने लगते हो। अगली बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां खुले में मास्क बेचने पर कार्रवाई शुरू कर दी है नगर निगम ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी किया था, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर निगम एक्शन में दिखाई दे रहा है, और जो भी यहां पर खुले में मास्क बेच रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, नगर निगम की टीम जगह जगह घूमकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, खुले में मास्क बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर यह एक्शन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। अशोकनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के आदेश का असर हुआ है, चार डीजे संचालकों पर कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया है, तेज आवाज में देर रात तक डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है। तो वही पहली कैबिनेट के फैसलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि मोदी की गारंटी बीजेपी का भरोसा है। जहां सीएम ने पहली कैबिनेट में पीएम मोदी की गारंटी निभाने का काम किया। देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था
संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम मोहर आलाकमान लगाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को तलाश है एक नए नेता प्रतिपक्ष की, एक ऐसे शख्स की जो विधानसभा में मजबूती के साथ पार्टी का और जनता का पक्ष रख सके। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उमंग सिंघार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बैठक बड़ी थी, क्या चर्चा हुई, क्या डिस्कशन हुआ, कोई नतीजे पर कांग्रेस पहुंच पाई है? देखिए, दो प्रमुख मुद्दे थे एक नेता प्रतिपक्ष का। चूंकि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान में विश्वास जताया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हाईकमान तय करे नेता प्रतिपक्ष। रही बात लोकसभा के लिए, सभी विधायकों को विश्वास में लेके हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला जी ने भी निर्देश भी दिए कि कमान मजबूती के साथ अपना अपना लोकसभा संभाले, वो कैसे भी करें हमें लोकसभा जीतना है। सर, कुछ पर्टिकुलर नामों पर चर्चा हुई है? सहमति कोई नहीं, कोई किसी के नाम पर चर्चा नहीं हुई, एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। कमलनाथ जी नजर नहीं आए बैठक में? देखिए, चूंकि वो दौरे पे थे इस कारण नहीं आए, जैसा सुरजेवाला जी ने बताया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी लेकिन सर इन तमाम बातों को मुद्दा बनाती है कि कांग्रेस साथ में क्यों नहीं दिखती, ये बीजेपी का सोचना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो ये हिंदुओं की बात करती है पार्टी, महाकाल से मुख्यमंत्री है, आप वहां से क्यों नहीं, आप जो टिकटार्थी है उनको आप क्यों नहीं फ्री करना चाहते, क्यों नहीं निःशुल्क करना चाहते, क्या कारण है? क्या हिंदू एजेंडा छोड़ दिया भाजपा ने? उमंग सिंघार हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि हाईकमान यानी कि दिल्ली ने जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आलाकमान है, वही नेता प्रतिपक्ष के नाम तय करेंगे और जो सुझाव विधायकों की ओर से दिए गए हैं वो सुझाव भी पहुंचेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इस पूरी बैठक में रणनीति बनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है, कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दी है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ये मंजूरी दी गई है, सर्वे के लिए मंजूरी दी है। सर्वे का तरीका क्या होगा ये 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में साफ हो जाएगा। इस फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अब हो जाएगा। जो हिंदू पक्षकारों ने आवेदन दिया था उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सबकी आस्था का प्रश्न है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कही जाती है, कान्हा का जहाँ पर जन्म हुआ है, और तथा कथित लोग उस पर अपने दावे और आपत्तियाँ व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह माननीय उच्च न्यायालय ने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर नियुक्त किया और सर्वे के जो निर्देश दिए हैं हम उसका स्वागत करते हैं, और सभी को ये समझना चाहिए कि न्यायालय ने जब बात कही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि नंदलाला को भी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नारे लगाने का भारत को अवसर मिलेगा। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 18 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। तो ये विशेष सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर इन विधायकों को शपथ दिलाएंगे।
बालाघाट से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 14 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में इस इनामी नक्सली को मार गिराया। हॉक फोर्स के जवानों ने एनकाउंटर किया है। सुपकार खम कोदादार के जंगल की घटना है। नक्सली का नाम चैतू था। बालाघाट कवर्धा बॉर्डर क्षेत्र का यह मामला है। एसपी समीर सौरभ ने इसकी पुष्टि की है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर नामी होटल पर कार्रवाई हुई है। खुले में कचरा फेंकने पर कार्रवाई की गई है। 20,000 का स्पॉट फाइन किया गया। खुले में कचरा फेंक रहा था होटल स्टाफ, नगर निगम ने कार्रवाई। वहीं अब श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में बद इंतजामी दिखी है। नसबंदी कैंप में बेड के इंतजाम न होने पर महिला मरीजों को फर्श पर ही लेटाया गया। करीब 50 महिलाओं का यहां ऑपरेशन हुआ। पूरे अस्पताल में सिर्फ 5 बेड है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लेकिन किस तरह से यहाँ पर बद इंतजामी थी, वो इन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। घायल युवक को न यहां पर कंबल मिला, न बिस्तर मिला। घायल को जमीन पर ही छोड़ दिया। प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। जिला अस्पताल का ये मामला है। वहीं इंदौर में पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। सिकली गरोह से हथियार खरीदकर इंदौर में सप्लाई करता था। शहर के कई बदमाशों से इनका कनेक्शन मिला है। आरोपी से 5 पिस्तौल बरामद की गई है। आरोपी प्रकाश बड़वानी से पिस्तौल लाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बीमार को टांग कर घूमते दिखाई दिए हैं उसके परिजन। स्ट्रेचर के इंतजार में परिवार वाले खड़े रहे। सीने में दर्द की शिकायत लेकर यहां मरीज आया था। मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए जिम्मेदार लोग। इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि अस्पताल में क्या व्यवस्था थी। ग्वालियर की तस्वीरें हैं, जहां पर परिजन जो है अपने मरीज को इस तरह ले जाने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर कोई स्ट्रेचर नहीं था और कोई भी इन्हें स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं करवा पाया, मुहैया नहीं करवा पाया। घंटों इंतज़ार करते रहे हैं। ऐसे में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर कि ग्वालियर से सामने आई है। उससे पहले श्योपुर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। वहीं शिवपुरी से भी लगातार किस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं अस्पतालों के अंदर, ये तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें उसकी पोल खोलती हैं। हालांकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जब उनसे पूछा गया इस वीडियो के बारे में, इन तस्वीरों के बारे में, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं फिल्म एक्टर राजकुमार राव ने महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान किया। अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ सुबह करीब 10 बजे महाकाल मंदिर में पहुंचकर उन्होंने गृह शांति और अभिषेक पूजन करवाया। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर राजकुमार राव उज्जैन पहुंचे हैं। स्त्री 2 की शूटिंग के दौरान फिल्म की सफलता के लिए महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान करवाया। इस दौरान पत्नी पत्रलेखा भी साथ रही। दोनों ने महाकाल के दरबार पहुंचकर गृह शांति और अभिषेक पूजन किया। वहीं मंदिर के पुजारी यश गुरु ने पूजन सम्पन्न करवा कर बताया कि राव करीब 3 घंटे मंदिर में रहे। पति पत्नी दोनों ने पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। बहुत टाइम से मन था कि यहाँ पे आके दर्शन करूँ महाकाल की, और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा कि आज मौका मिला और महाकाल की कृपा रही कि आज दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा, और अब तो बार बार आना लगा रहेगा महाकाल की कृपा से।
अभी कोई नई मूवी आपकी कोई? अभी हाँ, हम लोग स्त्री 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग इंदौर लैंड की और यही प्लान बनाया कि पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे। महाकाल आया तो कोई धार्मिक मूवी भी बनाने का करेंगे आप? हाँ, अभी कोई ऐसी कोई कहानी आएगी अच्छी तो ऑफकोर्स, क्यों नहीं। राजकुमार राव ने बताया कि इंदौर के आसपास स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग होनी है और इसके चलते वे इंदौर आए थे, इसलिए सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। राव ने कहा कि कई दिनों से इच्छा थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन मिल जाएं, आज मेरा सौभाग्य था और मेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमेशा इस मंदिर के दर्शन के लिए आता रहूंगा। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में अनिल कुशवाहा नाम के युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पिता को पिटता देख अनिल की बेटी बदमाशों से भिड़ गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा किस तरह से एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ जाती है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि विवाद प्रॉपर्टी को लेकर था, बदमाशों ने अनिल कुशवाहा पर हमला किया था। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। बदमाश प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अनिल कुशवाहा को पीटने आए थे और अपने पिता को पिटता देख एक बेटी बाहर निकलती है और बदमाशों से भिड़ जाती है। तो देखिए किस तरह से वो बदमाशों से भिड़ जाती है। लड़ते लड़ते लोग पहले दहली से बाहर निकलते हैं, उसके बाद लड़की अंदर से आती है और वो भी इन बदमाशों से भिड़ जाती है। और अब ये वीडियो वायरल हो गया है। शिवपुरी की ये घटना है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवार की शिकायत है। वो एक चाचा का लड़का था, एक बुआ का और चार पांच कुछ अन्य थे उसके साथ में। तो क्यों किया हमला, क्या कोई बात हो गई थी क्या? एक मकान का विवाद चल रहा है पिताजी से। किसके? आपके पिताजी से? हाँ जी। तो उनके ही पक्ष में आए थे वो लोग। वो चाचा थे हमारे, पता नहीं चाचा थे तीनों, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। वो एकदम आया और उन्होंने पकड़ के मारने लगे। कितने लोग थे? करीब 7 या 8 थे। आप लोगों की शादी मारपीट की है क्या? और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।